मैं करीब 40 सालों से सुबह एक घंटा रोज घूमना, उसके बाद करीब 2.5 घंटे तक प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज ये करता था। दैट वे 3-3.5 घंटे रोज सुबह अपनी हेल्थ और उसके लिए देता रहा। अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स हो चुके थे, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से मेरे घुटनों में और दूसरे भी जोड़ों में दर्द शुरू हुआ। घुटनों में काफ़ी था, 10 साल तक धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 2-3 साल से बहुत ज़्यादा था, और कुछ दिनों से तो बिल्कुल अनटॉलरेबल था। चलना फिरना मुश्किल होता था, सोने में भी दर्द होता था, कंटिन्यूसली मुझे पेन था। बीइंग डॉक्टर, मुझे एक मीटिंग में यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट मिले, उन्होंने कहा था एक बार घुटना देख तो लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आई वेंट टू हिम एंड ही सॉ इट, तो एक्सरे में लगा कि काफ़ी कुछ डैमेज्ड है। देन आई मेट लोकल और डॉक्टर, और मेरे भाई जैसे हैं डॉक्टर महेश्वरी, प्रमोद महेश्वरी, उनको दिखाया विद द एक्सरे। ही इमीडिएटली टोल्ड मी कि अब तो रक्षा ऑपरेशन करवा ही लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप जहाँ कहें जैसा कहें मैं करने को तैयार हूँ। तो द वेरी डे ही आस्क्ड मी के साहब आप किससे करवाना चाहेंगे, जो बाहर भेजना है या लंबी चौड़ी जगह, या मेरे विश्वास का और मैं 100% जिस पर मुझे कॉन्फिडेंस है ऐसे डॉक्टर के पास भेजूँ। मैंने कि आई एम ए पेशेंट, आप जो कहेंगे, आपकी जो एडवाइस होगी मैं मानने को तैयार हूँ, वट एवर यू सजेस्ट आई विल एग्री विथ इट। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली डॉक्टर मंडोरा को फ़ोन किया कि साहब एक हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, उनके पैरों में काफ़ी तकलीफ है, एंड आई वुड लाइक कि आप उन्हें देख लें। तो मैं उसी दिन मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया नेक्स्ट डे का। आई वेंट टू डॉक्टर मंडोरा, ही सॉ मी और उन्होंने कहा कि अब तो ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं टोटल रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि पार्शल और उससे सर्जिकल उससे काम निकल जाए तो अच्छा है। देन ही टुक ए लॉट ऑफ पेन, उन्होंने कई एक्सरे लिए और सब तरह से उन्होंने एडजस्ट करके ही डिसाइडेड अल्टीमेटली कि आपका पार्शल वो सर्जरी करेंगे, कंप्लीट नहीं, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड ही हैज़ गिवन मी द डेट, उन्होंने 10 तारीख को मुझे बुलाया। तो मैंने कहा साहब 30 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, उससे पहले चलने फिरने लायक हो जाना चाहिए। तो बोले आप चलने फिरने क्या, कथक डांस नहीं कर सकेंगे, बॉल डांस कर सकेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। मैंने कहा आप देखने आइएगा। तो मोस्ट काइंडली एंड वो उस सेलिब्रेशन में भी आए, वो ही अटेंडेड द सेलिब्रेशन, एंड नॉट ओनली ही बट विथ हिज वाइफ मिसेज मंडोरा आल्सो। तो दे हैव अटेंडेड द सेलिब्रेशन हियर इन देवास। और मुझे ऑपरेशन के लिए तो दोनों ऑपरेशन एक ही दिन में करने को तैयार थे, लेकिन लुकिंग टू माय एज जो एनेस्थेटिस्ट थे उन्होंने कहा दोनों का ऑपरेशन तो एक बैठक में नहीं पसंद करूँगा मैं, 2 दिन के गैप से दूसरा। तो दैट वे उन्होंने 10 अप्रैल को पहला किया, 13 को दूसरा कर दिया, और 13 को उन्होंने चलाया वॉकर से, 14 को भी देखा, और 15 को उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। तो आई केम हियर, 1-2 दिन वॉकर से चला, उसके बाद फिर स्टिक से चला, और
within 10 days, I think I left the stick also. चलने फिर अपने घर में ही टहलने लगा और 15-20 दिन बाद फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप बाहर भी जाइए. तो मैं बाहर भी जाता और अब करीब करीब 3-4 किलोमीटर तक मैं माउंटेनिंग वर्क के लिए निकल जाता हूँ. और जहाँ तक उसका सवाल है फिजियोथेरेपी का, तो मैं इतने साल से आसन और एक्सरसाइज वगैरह सब करता रहा तो डॉक्टर बंडोरा ने मुझे छूट दे दी कि आप जो एक्सरसाइज करते हो वही करते रहिए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है. एंड आई कैरी ऑन विद ऑल दोज ओल्ड एक्सरसाइजेस जो मैं करता था वो करता रहा. नाउ आई फील आई एम डूइंग माई वर्क नॉर्मली. मुझे घुटनों का दर्द अब बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरह चलता फिरता हूँ. And I am very much thankful to Dr. Mandora for his surgery and his behavior and his attitude towards me. I am really very much thankful to him. He has not treated me as patient only, but being a senior physician, yeah, unse kuch aisa lagav hi ho gaya hai ki unhone mujhe patient jaisa mana hi nahi.